किसी भी सेट के पहले तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट्स बना लिए जाएं, उसके बाद उन पॉसिबल सबसेट को एक सेट में डाल दिया जाए तो क्या कहलाता है, उसका पावर सेट कहलाता है। पावर सेट को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है, हम किस तरह से पावर सेट फाइंड आउट करते हैं, पहले तो गिवन नंबर के सेट्स की सबसेट्स की जो है तादाद को फाइंड आउट करते हैं, जिसका फार्मूला लास्ट वर्किंग डे में हमने स्टडी किया था, 2 की पावर n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, इस गिवन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। पार्ट 1 सेट a इज इक्वल टू xyz, कितने एलिमेंट्स हैं, क्या कार्डिनल नंबर है इसका, 3 है। 3 पुट कर देंगे, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है 2 की पावर n। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, n को रिप्लेस कर देंगे किससे, n की वैल्यू से। n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा, 8। ये जो गिवन सेट है हमारे पास सेट ए, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। सबसेट सबसे पहले बनाएंगे पावर सेट के लिए, सबसे पहले पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। किसी भी सेट का पहला सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और इन द एंड हर सेट खुद भी अपना सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट के लिए ये सिंबल भी हम यूज करते हैं, और एम्प्टी सेट का साइन भी यूज किया जा सकता है। एम्प्टी सेट उसके बाद एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ये तमाम के तमाम गिवन सेट सेट ए के सबसेट है। प्रीवियस क्लासेस में ये चीज हमने स्टडी भी की थी कि सबसेट किसी भी गिवन सेट से छोटे होते हैं, और उस सेट के तमाम मेंबर गिवन सेट में मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसके सबसेट कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो गिवन सेट होता है हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि सेट ए का सबसेट खुद भी वो होगा एक्स वाई जेड। ये क्या हुआ, सेट ए के पॉसिबल सबसेट्स हमने बना लिए। अब क्या करेंगे, इसका पावर सेट बनाएंगे। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि जो पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनके सेट को क्या हम कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, पावर सेट किसका, सेट ए का। तो इसके जितने भी सबसेट्स बने हैं उसको हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, वो किस में चेंज हो जाएगा, पावर सेट में चेंज हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई जेड। इसको एक सेट के अंदर हमने डाल दिया, तमाम सबसेट्स को एक सेट के अंदर जब हमने डाल दिया तो किस में चेंज हो गया, पावर सेट में। दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि गिवन सेट जो है इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, उन सबसेट्स की तादाद क्या होगी, फिर उसके वो पॉसिबल सबसेट्स बनाए जाएंगे, और उन सबसेट्स को जब हम किसी एक सेट में डाल देंगे तो क्या कहलाएगा हमारे पास, पावर सेट कहलाएगा। इस तरह एक और पार्ट हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 1357। इसके हमने क्या करने हैं, पावर सेट बनाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे,
इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इसके, चार एलिमेंट्स हैं। सबसेट्स की तादाद फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, टू की पावर एन। नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू टू की पावर एन। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये जो गिवन सेट बी है इसके कितने सबसेट बनेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, एन को रिप्लेस कर देंगे एन की वैल्यू से। एन की वैल्यू क्या है, फोर। टू की पावर फोर का मतलब है टू फोर टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या रिजल्ट आएगा, टू टू फोर, फोर टू एट, एट टू सिक्सटीन। ये जो सेट बी है इसके कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 16 पॉसिबल सबसेट बनेंगे। सॉल्यूशन दोबारा उसी बात को रिपीट करता हूं कि सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट इसका सबसे पहला सबसेट बनेगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, पॉसिबल सबसेट। सबसे पहला सबसेट क्या बना, एम्प्टी सेट, वन थ्री फाइव सेवन। अब वन के साथ बारी बारी हर नंबर को टेस्ट करेंगे, दो वैल्यूज वाला सबसेट बनाएंगे, वन थ्री वन फाइव वन सेवन। अब वन यूज नहीं करेंगे, अब थ्री के साथ बारी बारी बनाएंगे, थ्री फाइव थ्री सेवन। इसके बाद थ्री से भी हमने दो दो वैल्यूज के सबसेट बना लिए, अब क्या बच गया हमारे पास, फाइव सेवन। अब क्या होगा, दो वैल्यूज का कोई सबसेट नहीं बनेगा, अब तीन वैल्यूज के सबसेट बनेंगे। अगर दो वैल्यूज का बनेगा याद रखिएगा वो इनमें से किसी के इक्वल होगा, फाइव वन या वन फाइव दोनों आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे और एक सेट में वैल्यूज रिपीट नहीं होती। फाइव सेवन, अब क्या करेंगे, तीन वैल्यूज वाला बनाएंगे, पहले वन से वन थ्री फाइव वन थ्री सेवन। फिर वन फाइव सेवन, देखें वन के साथ मजीद कोई वैल्यू टच नहीं हो सकती। अब थ्री से बनाएंगे, थ्री फाइव सेवन। अब इस सेट को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हर सेट खुद भी अपना सबसेट होता है, वन थ्री फाइव सेवन। सेट बी के पॉसिबल सबसेट बना लिए, हम देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं, इनकी तादाद गिन लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। इट्स मीन हमने जितने सबसेट्स बनाए बिल्कुल ठीक बनाए। अब क्या करेंगे, पावर सेट सेट बी का बना लेंगे, पावर सेट ऑफ सेट बी। क्या करेंगे, जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं इनको एक सेट में लिख देंगे, तो किसमें चेंज हो जाएगा, पावर सेट में चेंज हो जाएगा। एम्प्टी सेट वन थ्री फाइव सेवन वन थ्री वन फाइव वन सेवन थ्री फाइव थ्री सेवन फाइव सेवन वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव वन थ्री सेवन वन फाइव सेवन थ्री फाइव सेवन
5, 7 इनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तमाम पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट बी को, तो हमारे पास क्या बन गया, पावर सेट ऑफ सेट बी बन गया। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 आपके पास होमवर्क है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो जाएगी। पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट 3 सेट का नाम है एक्स, इसके मेंबर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका क्या बनाना है हमें, पावर सेट बनाना है। नंबर 4 वाई इज इक्वल टू -2, 0, 2 इन दोनों सेट्स के हमने पावर सेट्स बनाने हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज में जो चीजें हमने पढ़ी उसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। इसमें हमने सबसेट्स को पढ़ा और पावर सेट को पढ़ा। सबसेट्स क्या होते हैं, किसी भी गिवन सेट के जो छोटे सेट होते हैं उस सेट में गिवन सेट के तमाम मेंबर्स अगर मौजूद होते हैं तो उस गिवन सेट का सबसेट कहलाता है। इसी के अंदर हमने इसकी फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक प्रॉपर सबसेट था और एक इम्प्रॉपर सबसेट था। जो गिवन सेट का छोटा सेट होता है जिसमें सेट के तमाम मेंबर गिवन सेट के अंदर मौजूद होते हैं तो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अगर वो गिवन सेट के इक्वल होता है तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। उसके बाद पावर सेट पढ़ा हमने। पावर सेट में हमने क्या पढ़ा, जो किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनका जो सेट कहलाता है वो पावर सेट कहलाता है। थैंक यू जी।